डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्वप्निल स्टडी सर्कल। आई एम भूषण सर। टूडेज टॉपिक आर इंडाइसेस। वेरी शॉर्ट टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंडाइसेस फार्मूले। एंड इंडाइसेस फार्मूले इज द बेसिक फार्मूले, आप सभी को पता ही होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कब कहाँ पे यूज हो गए ये फार्मूले, वो डिपेंड करता है उस एक्सरसाइज एंड उस चैप्टर के ऊपर। मतलब ये कभी भी आ सकता है, इन दैट सिचुएशन कभी भी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट डे आपको रिवाइज करवाया था फैक्टराइजेशन फार्मूला, एक्सपेंशन फार्मूला। अब ये क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि जहां पे जैसे अपन बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी, ये मैथ्स जब अपन जहां पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो ये छोटी छोटी डिफिकल्टी ना आए, इसलिए अपन ये जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक्स से जब अपन यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये डिफिकल्टी ना आए। डिफिकल्टी आ भी गई तो अपने ऑलरेडी हो चुका है। अब ऑलरेडी हो चुका है तो डेफिनेटली ये जो हुआ हुआ है टॉपिक, तो डेफिनेटली मुझे याद आएगा ये मैंने यहां पढ़ा था, ये फार्मूला मैंने यहां पढ़ा था, ये एक्सरसाइज मैंने यहां, ये हो गया था अपना, मुझे ये फार्मूला, एक्सपांशन फार्मूला, इंडाइसेस फार्मूले सर ने ऑलरेडी ले लिए। तो डैट मन बाय वे, तो जब अपने को यहाँ पे अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसके ऊपर कहीं प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम आ गए, तो अपने को तब आना चाहिए, तब अपन ने कहीं ना कहीं लटकना नहीं आना चाहिए। सीबीएसई की बात कर रहे हो तो सीबीएसई में दो मैथ्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड मैथ एंड बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ में डिफरेंस यही रहता है, बेसिक दैट मीन बाय द एबीसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड डी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड मैथ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सभी बच्चों को एबीसीडी करना है। जो वीक वाले बच्चे हैं, जिनका मैथ्स कहीं ना कहीं मैथ्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, नहीं जम पा रहा है, तो एबीसी ग्रुप, मैंने तो बोल रहा हूं एबीसी ऑटोमेटिकली, मैं बोलता हूँ एट द सीबीएसई लेवल, नॉट अ स्टेट लेवल। सीबीएसई लेवल की बात कर रहा हूं तो सीबीएसई लेवल की बात करते वक्त 90 मार्क्स आराम से ले सकते हो। सिर्फ 8 मार्क ये स्टैंडर्ड मैथ्स होता है। 8 मार्क कहना के डिफिकल्टी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो लास्ट वाले 8 मार्क्स है ना, वो 8 मार्क के डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। 72 बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 72 मार्क्स बेसिक मैथ के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेसिक मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये बोलता हूं कि मैथ्स आने के पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। जब जिसका बेस क्लियर है, ऑटोमेटिकली मैथ्स उसको आएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस इज द शॉर्ट टॉपिक है। लॉज ऑफ इंडाइसेस के मैं जस्ट फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, उसके ऊपर छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा, और लास्ट एंडिंग ऑफ दैट टॉपिक मैं कुछ होमवर्क देके जाऊंगा। और जो होमवर्क आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली मुझे इसके ऊपर डिफिकल्टी पूछो, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा कहना कि टफ होमवर्क दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और आप सभी को आता है। तो फर्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसेस आप सभी को पता ही होगा। फर्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसेस है ए रेस टू द पावर जीरो। ए रेस टू द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, 1। मतलब दैट मीन बाय द कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का पावर, सपोज मैं 0 लेता हूं तो हमेशा उसका आंसर आता है 1। जैसे कांस्टेंट वैल्यू दैट मीन बाय द कोई भी 2 रेस टू द पावर 0 आंसर इज 1। उसके बाद नेक्स्ट इज 19 रेस टू द पावर 0 आंसर इज 1। किसी का भी पावर 0 हो तो हमेशा आंसर 1 होता है। Definitely right. That mean by the also the x raised to the power 0 is also 1. Second formula a raised to the power 0 is equal to 1. एक बार दो बार रिवाइज करोगे ऑटोमेटिकली लर्न होंगे फॉर्मूले। इट्स वेरी वेरी इजी। सेकेंड, किसी का भी पावर 1 हो, किसी का भी पावर 1 हो, a is the first of all तो क्लियर कर देता हूं कि 0 1 is the power. That is called as the, जो ऊपर होता है ना, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज द पावर, दैट कॉल्ड एज द पावर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द बेस। जैसे ए रेज़ टू द पावर 2 है, तो 2 इज द पावर एंड ए इज द बेस। इंडाइसेस में सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इंडाइसेस में बेस सेम हो तो ही मैं इंडाइसेस के फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं। बेस सेम हो तो इंडाइसेस के फॉर्मूले अप्लाई होते, अदरवाइज नहीं होते। जस्ट क्लियर दैट, that is called as the base and that called as the power. a raised to the power 1 answer wahi same term hoti hai. kisi bhi variable ka power suppose 1 hai to answer wahi same term aati hai, as it is same way constant mein bhi.
थर्ड फॉर्मूला इज ए रेस टू द पावर एन. ए रेस टू द पावर एन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ए इज मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए एंड डॉट 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 इज मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स. किसी का भी पावर एन हो दैट इज कॉल्ड एज द ए इंटू ए इंटू ए इंटू दैट मीन्स बाय मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स दैट मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स. फोर्थ फॉर्मूला इज ए रेस टू द पावर एम. सबने बचपन से पढ़ा हुआ है कि पावर कैन नॉट बी निगेटिव. पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए. पावर निगेटिव हो तो डेफिनेटली आंसर नहीं आएगा. बट 10th standard 8-9 लेवल पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे पावर निगेटिव है तो निगेटिव पावर को अपने को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना आना चाहिए. ए रेस टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1/ ए रेस टू द पावर एम. अगेन रिपीट कर रहा हूं, पावर कैन नॉट बी निगेटिव. पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए. पावर निगेटिव हुआ तो उसको क्या में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पॉजिटिव. उसमें यूज होता है लॉज ऑफ इंडाइसिस. ए रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू 1/ ए रेस टू द पावर एम. ए रेस टू द पावर माइनस एम. नेक्स्ट यही सेम फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं उल्टा कर देता हूं तो डैट मीन पता ये भी हो सकता है. फिर कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है. 1/ ए रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर माइनस एम. सेम फॉर्मूला उल्टा लिखा हो. 1/ ए रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर माइनस एम. रेयर केस में इसकी जरूरत पड़ती है लॉज ऑफ इंडाइसेस में. नेक्स्ट फॉर्मूला इज द सिक्स फॉर्मूला. सिक्स फॉर्मूला इज ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन. सिंपल है. पढ़ते वक्त देखो मैंने क्या बोला. ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन. बेस सेम है. मैंने आपको जस्ट क्लियर करवाया था कि बेस सेम है तो ही मैं इंडाइसेस के फॉर्मूले यूज कर सकता हूं. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो उसका फॉर्मूला होता है ए रेस टू द पावर एम प्लस एन. ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन. तो बेस सेम होने के कारण ए रेस टू द पावर एम प्लस एन. करेक्ट. नेक्स्ट वन इज द सेवन फॉर्मूला. जैसे मैं मल्टीप्लाई में कर, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किया जैसे सेम पे डिवाइड कर रहा हूं. ए रेस टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एन. डिवाइड है. अब डिवाइड है तो डेफिनेटली क्या आएगा, ए रेस टू द पावर एम माइनस एन. बोलने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में प्लस होता है तो डिवाइड में नेगेटिव टर्म्स आती है. ए रेस टू द पावर माइनस है सॉरी ए रेस टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन. सेम है मल्टीप्लाई में भी. मल्टीप्लाई में प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है. नेक्स्ट एट, आप सबने पढ़ा होगा ये ए रेस टू द पावर एम रेस टू द पावर एन. ए रेस टू द पावर एम रेस टू द पावर एन दैट मीन बाय द ए रेस टू द पावर एम इन टू एन. मतलब जितने नंबर ऑफ पावर्स आएंगे उन सभी पावर्स का मल्टीप्लाई होगा. कभी कभी तो ऐसा भी होता है यही सेम फॉर्मूले को मुझे एक्सपांड करना है तो मैं यहां एक्सपांड करता हूं. ए रेस टू द पावर पी रेस टू द पावर क्यू रेस टू द पावर आर. इसका आंसर होता है ए रेस टू द पावर पी इंटू क्यू इंटू आर. जितने पावर्स आएंगे उन सभी पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली वो आंसर आएगा. नेक्स्ट वन इज द नाइन्थ. नाइन्थ फॉर्मूला है ए इंटू बी रेस टू द पावर एन. अब क्या किया मैंने कि दोनों का मल्टीप्लाई बट पावर सेम है, पावर कॉमन है. पावर कॉमन है तो मैं ये पावर को डिफरेंट दे सकता हूं. ए रेस टू द पावर एम इंटू बी रेस टू द पावर एम. ए इंटू बी रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम इंटू बी रेस टू द पावर एम. एज इट इज सेम वे जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं एज इट इज सेम वे डिवाइड में भी सेम वे. ए अपॉन बी रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम अपॉन बी रेस टू द पावर एम. दैट ऑल आर द 10 इज द फॉर्मूले ऑफ इंडाइसेस. ये 10 के 10 फॉर्मूले इंडाइसेस के हैं. ऑल आर द 10 फॉर्मूलेज आर द डिपेंड ऑन द लॉज ऑफ इंडाइसेस.
जस्ट एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली लर्न होगे, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, दो चार बार पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली लर्न, बट ये लाइफ टाइम कहीं ना कहीं काम आने वाला है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ ये। मुझे मैं 10th लेवल पे तो बेसिक अपने को लेना ही लेना है, साथ में 11th 12th, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब भी आप ट्राई करोगे तब ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, इसलिए मैं बेसिक में ये भी क्लियर कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी अभी आज ही बताया या उसके स्टार्टिंग के पहले दिन बताया था कि ये बेसिक अपन इसलिए ले रहे हैं कि मुझे जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, जब मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करूंगा, तो मुझे ये छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे बेसिक लेंगे। अब लॉज ऑफ इंडाइसेस की कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो भी अपन सॉल्व करना चाहते हैं। चलो एग्जाम्पल कुछ सॉल्व करते हैं अपन, वो एग्जाम्पल देखते हैं इसी के सेम 10 फॉर्मूले। ये आप अच्छे से रिवाइज करो, कहना के लिख के रखो, डैट डैट मीन बाद आपके फॉर्मूले टोटली लर्न होने चाहिए। सम बेसिक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको जस्ट क्लियर करवाया था स्टार्टिंग में, पी की वैल्यू फाइंड करनी है स्टार्टिंग में। ये मैंने यहां पे बताया था कि बेस सेम है तो ही मैं इंडाइसेस के फॉर्मूले अप्लाई कर सकता। इस एग्जाम्पल में देख रहा हूं तो दोनों सभी तीनों एग्जाम्पल में बेस सेम है, 1 2 3 तीनों के तीनों टर्म में बेस सेम है। बेस सेम होने के कारण मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। अब फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त यहां पे कौन सा फॉर्मूला आएगा वो आपको सोचना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहां पे डिवाइड है। अब डिवाइड होने के कारण फॉर्मूला वही आएगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला, कौन सा डिवाइड वाला फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं ए रेस टू द पावर एम डिवाइड बाई ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन, करेक्ट। वही है सेम, बेस सेम है, तीनों का बेस सेम होने के कारण पावर का क्या होता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन करता हूं, मतलब क्या आएगा फॉर्मूला, -8 रेस्ट टू द पावर 2p निगेटिव, दैट मीन बाय ये m और ये n, दैट मीन बाय ए रेस्ट टू द पावर m माइनस एन, तो -8 रेस्ट टू द पावर 2p -3 इज इक्वल टू -8 रेस्ट टू द पावर 5। अगेन बेस सेम है बट दोनों इक्वल है, इक्वल के कोई फॉर्मूले नहीं पड़ा था, बट यहां पे सिंस द बेस आर सेम, सिंस द बेस आर सेम, तो मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं, वो काम है इक्वेट द पावर्स, इक्वेट द पावर्स। अब इक्वेट द पावर दैट मीन बाय द बेस सेम है, मैंने यहां पे क्लियरली बोल दिया आपको कि सिंस द बेस आर सेम देन इक्वेट द पावर, बेस सेम होने के कारण मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर दैट मीन बाय द 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 5, सेम लाइक टर्म पास पास में लेके आएंगे, लाइक टर्म पास में लेके आना दैट मीन बाय द 2p माइनस 3 दैट मीन बाय द क्या होगा, माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस 3 इज इक्वल टू, सेम एग्जाम्पल यहां स्टार्ट करता हूं, 2p 5 प्लस 3 इज 8, p इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो दैट मीन बाय द p इज इक्वल टू 2 4 जो 8 दैट मीन बाय द ओनली 4 द p इज इक्वल टू 4। इसका मैं एक्सपांड करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है p की 4। सेम वे मैं यहां पे सॉल्व करता हूं बट ये सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम में डिफरेंट है। फर्स्ट प्रॉब्लम में दोनों तीनों का बेस सेम था बट इन द सेकेंड प्रॉब्लम बेस सेम नहीं है। जस्ट क्लियर दैट कि बेस सेम नहीं है तो मैं बेस सेम ला सकते हैं। अब बेस सेम कैसे लाएंगे, मैंने आपको पहले क्लियर करवाया था कि इंडाइसेस लॉज में बेस सेम हो तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पे बेस सेम लाना पड़ेगा। ये 5 है, यहां पे भी मैं 5 और यहां पे भी 5 आना चाहिए, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 5 इज द क्यूब ऑफ 125, दैट मीन बाय द 125 5 का क्यूब है और 25 इज द 5 स्क्वायर, दैट मीन बाय द 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 दैट मीन बाय द 5 स्क्वायर एंड 125 इज द क्यूब ऑफ 5 दैट मीन बाय द 5। अगेन इंडाइसेस लॉस, दोनों का बेस सेम है तो बीच में डिवाइडेशन है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं।
ए रेस टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन. सेम वे बेस सेम है तो मैं पावर का सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं. सेम वे पावर सब्ट्रैक्शन इज माइनस टू इज इक्वल टू फाइव रेस टू द पावर थ्री. फाइव रेस टू द पावर टू पी प्लस वन माइनस दैट मीन बाय द माइनस वन इज इक्वल टू फाइव रेस टू द पावर थ्री. दोनों का बेस सेम है मैं पावर को क्या कर सकता हूं इक्वेट दैट मीन बाय द इक्वेटिंग द पावर. इक्वेटिंग द पावर इक्वेटिंग द पावर मतलब पावर को इक्वल लिख सकते हो. क्या होगा टू पी माइनस वन इक्वल टू थ्री. अगेन सॉल्व कर दो टू पी माइनस वन इधर ट्रांसफर होगा लाइक टर्म पास में लाना पड़ेगा. माइनस वन उधर ट्रांसफर करते हो तो क्या होगा प्लस वन दैट मीन बाय थ्री प्लस वन. करेक्ट सॉल्व कर दो ये सेम प्रॉब्लम इधर सॉल्व करते टू पी सेम वे थ्री प्लस वन इज फोर तो पी इज इक्वल टू फोर अपॉन टू. फोर अपॉन टू दैट मीन बाय द पी इज इक्वल टू टू. करेक्ट इसका एक्सपांड करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा पी इज इक्वल टू टू. जस्ट क्लियर दैट कि बेस सेम हो तो मैं इंडाइसेस अप्लाई कर सकता हूं. इस प्रॉब्लम में अपने क्लियर किया है बेस सेम नहीं है तो आपको बेस सेम लाना पड़ेगा. इसी के ऊपर और एक एग्जांपल लेते वो एग्जांपल है सेवन रेस टू पावर माइनस थ्री माइनस टू. फॉर्मूला तो आप सबको समझ में आ रहा है कि ए रेस टू पावर एम इन ए रेस टू पावर एम ऑफ पावर एन दैट मीन बाय ए रेस टू पावर एम इन टू एन दैट मीन बाय ये फॉर्मूला ए रेस टू पावर एम ए रेस टू पावर एम इन टू एन. यही सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई कर रहा हूं सेवन माइनस थ्री इन टू माइनस टू करेक्ट डिवाइडेड बाय सेवन रेस टू द पावर माइनस सिक्स. सेवन माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन रेस टू पावर माइनस सिक्स. दोनों में क्या है डिवाइड डिवाइड है तो ऑब्वियसली फार्मूला कौन सा यूज होगा वही सेम फार्मूला यूज करेंगे सेवन रेस टू द पावर डिवाइडेशन में दोनों का क्या होगा माइनस. सेवन रेस टू द पावर सिक्स माइनस इंटू माइनस साइन कन्वेंशन में मैंने पढ़ाया था माइनस इंटू माइनस प्लस तो सेवन रेस टू द पावर कितना आएगा. ये कुछ बेसिक एग्जांपल है ये बेसिक एग्जांपल बहुत इजी है इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ इसी के ऊपर मैं बहुत सारे होमवर्क दे रहा हूँ. जिसमें आपको होमवर्क में कोई डिफिकल्टी आ गई तो आप मुझे बाद में कंसल्ट कर सकते हो. जस्ट कुछ एग्जांपल मैंने होमवर्क के लिए दिया हूँ डेफिनेटली आप ये ट्राई करोगे तो इंडाइसेस के जितने लॉज है वो टोटली क्लियर हो जाएंगे. आज के लिए इतना ही कल कंटिन्यू करेंगे. कल कंटिन्यू करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन वेरिएबल्स लाइक टर्म पास में लाके एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आल्सो वन वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लाई करते आज के लिए इतना ही थैंक यू.